और आज हम स्टार्ट करेंगे डेडलॉग और उसकी कैरेक्टराइजेशन के बारे में। मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करती हूँ अपने चैनल में, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने नॉलेज को गेन कर सकें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। ठीक है जी, तो आज बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डेडलॉग के बारे में। आप लोगों ने सुना भी होगा डेडलॉग क्या है। डेडलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है जी, तो बात करते हैं आज, स्टार्ट करते हैं डेडलॉग से। ठीक है जी, तो डेडलॉग क्या होता है। डेडलॉग हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जो इन चारों कंडीशन को ज़रूर फॉलो कर पाती है, वहाँ पर ही हमारा क्या होता है डेडलॉग होता है। यानी अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम में डेडलॉग कब लग सकता है कि जब ये चारों कंडीशन वहाँ पर अराइव हो रही हो तब वहाँ पर डेडलॉग लग सकता है। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे कि डेडलॉग अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अराइव ना हो तो हमारा डेडलॉक रिमूव हो सकता है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि डेडलॉक कब लगता है कि जब ये चारों ही हमारी कंडीशन अराइव हो रही हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, डेडलॉक कब हमारा लगता है, जब ये चारों ही अराइव हो रही हो। ठीक है जी, इन चारों में से अगर कोई एक भी नहीं होगी तो हमारा जो डेडलॉक होगा वो नहीं लगेगा। ठीक है, मीन्स ये चारों जो होती है ना हमारी कंकरेंट काम करती है, यानी एक साथ वर्क करती है, वहाँ पर ही हमारा डेडलॉक लग जाता है। तो हम इन चारों कंडीशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं आज की क्या होती है। पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। ठीक है जी, देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन में फिर से बताती हूँ, मैंने पिछली बार भी यानी क्रिटिकल सेक्शन समझाया था मैंने तभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में बताया, रिस कंडीशन समझाया मैंने तभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में बताया। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे वो सेमाफोर के लिए यूज़ हो रही हो, चाहे वो रेस कंडीशन के लिए यूज़ हो रही हो, चाहे वो डेडलॉक के लिए यूज़ हो रही हो। ठीक है जी, मैं फिर से समझाती हूँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर दो में से कोई एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जहाँ दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो एक ही टाइम पर, लेकिन एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसे मैंने पहले कितनी बार एग्जांपल दिया हुआ है प्रिंटर का, तो मान लीजिए प्रिंटर को मैंने दो कमांड एक साथ दी, एक ही प्रिंटर को मैंने दो कमांड दी, तो प्रिंटर क्या करेगा, हमारा वन बाय वन प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा ना, यानी वन बाय वन हमारा प्रोग्राम या जो भी हमारे कमांड दी है उनको प्रिंट करने की कोशिश करेगा। ऐसे तो नहीं कि दोनों एक संग ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी पी टू जो हमारी प्रोसेस टू है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक पी वन ना हो जाए रन। ठीक है, होल्ड एंड वेट क्या होता है। होल्ड एंड वेट डेडलॉक की एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे समझिए कि हम लोगों को क्या सिखाया गया है, हम लोग इंडियन से तो हम लोगों को समझा सब सिखाया गया कि भाई जितना मिले जब तक मिले ले लो। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट का क्या मतलब है। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि मान लो प्रोसेस वन हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए चली गई और वो उसने रिसोर्स को होल्ड ही किया हुआ है, तो हमारा प्रोसेस टू जो होगी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी, यानी वो वेट करती रह जाएगी ना, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा डेडलॉक आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, एग्जांपल को रिलेट करके समझिए होल्ड एंड वेट क्या है। होल्ड एंड वेट ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक प्रोसेस होल्ड करके रखती है एक रिसोर्स को और प्रोसेस टू जो है यानी दूसरी रिसोर्स उसको वेट करती रहे कि कभी फ्री हो और कब मैं लूँ। ठीक है जी, ए प्रोसेस करेंटली होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड रिक्वेस्टिंग फॉर अनदर रिसोर्स। बात समझ में आई। बात करते हैं नो प्रिम्पशन। पहले हम प्रिम्पशन के बारे में बात करते हैं कि प्रिम्पशन क्या होता है। प्रिम्पशन का मतलब होता है छीना झपटना। ठीक है, मीन्स अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं उससे छीन लूँ। ठीक है, तो डेडलॉग में क्या होता है, डेडलॉग में नो प्रिम्पशन यानी कोई छीना झपटी नहीं होगी। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर छीना झपटी मीन्स अगर प्रोसेस कोई भी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स ना मिल पाए एग्जीक्यूट होने के लिए तो वहाँ पर डेडलॉक अकर होना ही है। तो वही लिखा है मैंने कि ए रिसोर्स कांट बी प्रिम्प्ट फ्रॉम अ प्रोसेस बाय एनी अदर प्रोसेस, रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड वाइल्डली बाय द प्रोसेस करंटली होल्डिंग इट। जब तक उसने पकड़ के रखा हुआ है प्रोसेस रिसोर्स को प्रोसेस वन में, तो प्रोसेस टू कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगी, मतलब कैसे वो सिग्नल नहीं कर सकती ना, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, नौ बात करते हैं सर्कुलर वेट की। सर्कुलर वेट क्या होता है, हमारा सर्कुलर वेट इस तरीके से समझिए कि एक ऐसी कंडीशन, देखिए मैं पहले इसका एग्जांपल आपको दिखाती हूँ सर्कुलर वेट का किस तरीके से हो सकता है। देखिए
देखिए, आपको पता है ना कि जो भी कोई सर्कल में होगा वो हमारी क्या होगी, वो प्रोसेस होगी, और जो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म में होगा वो हमारे क्या होगा, वो रिसोर्स होगा। तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि ये जो ए है ना, इसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, इसको आर टू रिसोर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन आर टू रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, बी के लिए, और बी रिक्वेस्ट कर रहा है आर वन के लिए, समझाया। तो मीन्स यहाँ पर एक साइक्लिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उसको ही हम बोलेंगे सर्कुलर वेट। जहाँ पर कोई प्रोसेस रन ही नहीं हो पाए, मीन्स एक सर्कल के अंदर रह जाए, उनको बोलेंगे हम सर्कुलर वेव, ठीक है जी। समझ में आया इतना आपको? तो ये चार कंडीशन होती है जो डेडलॉक में, मतलब डेडलॉक लगाने के लिए अराइव की जाती हैं। मीन्स ये चारों अगर कंडीशन किसी भी प्रोग्राम में ना हो तो डेडलॉक हमारा लगेगा ही नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझ में आया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक बेस्ट एग्जाम्पल और मैं देती हूँ। लाइक अगर मान लीजिए कि दो बंदे बैठे होंगे, ठीक है, और मेरे पास है एक स्पून और दूसरे के पास है एक बाउल जिसमें सूप रखा हुआ है, ठीक है। तो जो दूसरा बंदा है वो बाउल तब तक बाउल में जो रखा हुआ सूप है वो तब तक नहीं पी पाएगा ना, जब तक मैं उसको स्पून ना दे दूँ, ठीक है। मीन्स दोनों में से एक को तो पीछे हटना पड़ेगा, मीन्स दोनों में से कोई एक प्रोसेस जब तक कम्प्लीट रन नहीं होगी तब तक डेडलॉक हमारा रहेगा। मीन्स सूप हमारा उसमें बाउल में रहेगा जब तक मैं उसको स्पून ना दे दूँ। आई होप समझ आया होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। होल्ड एंड वेट का क्या कंडीशन, होल्ड एंड वेट मीन्स एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और दूसरी प्रोसेस वेट कर रही है कि कब वो छोड़े और कब मैं एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करूँ। समझ आया? नो प्रिम्पशन का मतलब, नो प्रिम्पशन मतलब कि कोई छीना झपटी नहीं होगी जब तक पहली प्रोसेस रिलीव ना करते रिसोर्स को, ठीक है जी। सर्कुलर वेट मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिखाया आपको, मैं फिर से दिखाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे मार्क्स गेन करने के, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से समझा सकते हैं सर्कुलर वेट को या डेडलॉक की कोई भी कंडीशन को, ठीक है जी। आज की वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में कि कितने तरीके से डेडलॉक को हम हैंडल कर सकते हैं, यानी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।